बड़ी खबर, समाचार प्लस की मुहिम लखीमपुर खीरी में लाई रंग और नतीजा ये हुआ कि तीनों बेटियां आज अपने घर में सुरक्षित हैं। 5 लाख रुपए फिरौती देने के बाद लड़कियों की रिहाई हुई है, ऐसा कहा जा रहा है परिजनों की ओर से। और लड़की के मामा ने कहा है कि 5 लाख रुपए दिए और 2 लीटर पेट्रोल देने के बाद ही इन तीनों लड़कियों को छुड़ाया गया है। रिहाई में पुलिस की भागीदारी नहीं रही। जो लड़कियों के मामा हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने यहां पर किसी तरह की कोई मदद नहीं की। अगर लड़कियां घर लौटी हैं तो केवल उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने 5 लाख रुपए और 2 लीटर पेट्रोल यहां पर बदमाशों को दिया था, जिसके बाद लड़कियों को छोड़ा गया है। बल्कि उल्टा पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं परिजन कि पुलिस ने ही फिरौती देने के लिए दबाव बनाया था। तो आपको बता दें कि शनिवार देर रात डकैतों ने घर में घुसकर तीनों लड़कियों का अपहरण कर लिया था और फोन कर कोल्हू व्यापारी से फिरौती के तौर पर 50 लाख रुपए की रकम मांगी थी। तो समाचार प्लस ने अपहृत बहनों की सकुशल बरामदगी के लिए मुहिम छेड़ी थी और लगातार हम दिखा रहे थे कि किस तरह से यहां पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो तीनों लड़कियां घर से गायब हैं उनकी रिहाई के लिए क्या कुछ प्लानिंग यहां पर की जा रही है। तो समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है, दबाव पुलिस प्रशासन पर भी पड़ा। उसके बाद तीनों बेटियां अपने घर सकुशल इस वक्त लौट आई हैं। तो सबसे बड़े अपहरण कांड पर समाचार प्लस के बड़े सवाल, आखिर कहां रखा गया था 3 दिन तक इन लड़कियों को? अगर फिरौती देकर लड़कियों को छुड़ाया गया तो फिर पुलिस ने क्या किया? शनिवार रात लड़कियों को अगवा किया गया था, तब से लेकर अब तक पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस ने ही बनाया था फिरौती देने के लिए दबाव? बदमाशों की घेराबंदी क्यों नहीं कर पाई पुलिस? क्या नेपाल से भी जुड़े हैं बदमाशों के तार? तो कुछ बड़े सवाल हैं जो लड़कियों के घर लौटने के बावजूद अब भी बने हुए हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि परिजन पुलिस पर फिरौती देने का जो दबाव देने का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आरोप सही है? और अगर वो आरोप सही नहीं है तो शनिवार से लेकर कल तक पुलिस आखिर कर क्या रही थी और इतने दिनों तक इन लड़कियों को कहां रखा गया था? तो आपको इस वक्त हम सीधे लखीमपुर खीरी के उस घर में लिए चलते हैं जहां आज परिजन राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि आखिरकार उनकी बेटियां जो शनिवार से अगवा हुई थी वो घर लौट आई हैं। तो आज की सुबह कह सकते हैं कि इस परिवार के लिए एक नई खुशियों की सुबह है। और हमारे संवाददाता राजीव जो पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी में और लगातार वहां बने हुए थे कल भी, जिस तरह से यहां पर अपहरण के बाद समाचार प्लस ने मुहिम चलाई थी, तो राजीव एक अच्छी सुबह हम कहेंगे, क्योंकि शनिवार की रात के बाद जो इस परिवार ने सुबह देखी और एक एक पल जो काटा है यहां पर डर के साए में, फिक्र के साए में, उसके बाद आज ये परिवार अपनी तीनों बेटियों को अपने साथ देख रहा है। निश्चित रूप से प्रीति, ये काफी जद्दोजहद के बाद जो ये लड़कियां जिनका अपहरण किया गया था आज ये फिर से अपने घर में लौट आई हैं, जिसके चलते इस पूरे सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। लोग लगातार इन लोगों से मिल रहे हैं, इनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से डकैतों के खौफ में इन लोगों ने बीते 48 घंटे बिताए हैं वो कोई मामूली बात नहीं थी। और इन लोगों की इतना मैच्योर भी नहीं है कि जिस तरह से इन्होंने इस कड़ाके की ठंड में इन्हें रखा गया, आखिर इनके साथ कब और कैसे ये घटना हुई और किस तरह इन्होंने डकैतों के चंगुल में जो ऑफ के 48 घंटे बिताए हैं उस दौरान इनकी आपबीती क्या रही, इसकी जानकारी के लिए हम बात करेंगे सीधे हमारे साथ मौजूद इन तीनों लड़कियों से। सबसे पहले बात करेंगे उपमा से। उपमा, क्या कैसे हुई ये घटना और कैसे वहां पर रखा गया आपको? हम लोग आग के पास बैठे थे, वहीं पे आके उन लोगों ने गन लगा दी थी और हम लोगों को फिर लेकर के चले गए थे। मेरे पापा को पूछ रहे थे कि पापा कहाँ हैं आपके, हम लोगों के पापा यहाँ थे नहीं, तो हम लोगों को लेकर के गए, कोई नहीं तुम्हारे पापा नहीं, तुमको लेके जाएंगे, पैसा तुम ही ले गई, हमें ऐसे करके लेके हमें जंगल में ले जाके रखे थे। इतनी फिरौती की मांग की गई थी उस दौरान? उस टाइम उन्होंने 50 लाख रुपए मांगे थे और कितना दिया कितना नहीं दिया हमें कुछ भी नहीं मालूम है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये लोग घर के बाहर बैठे हुए थे, जैसा कि ठंड में होता है फलाव ताप रहे थे, उसी दौरान पहले इनके पिता को पूछा गया और जब वो नहीं मिले उनकी लोकेशन तो इन लोगों को ही उठा लिया गया। कुछ और हमारे साथ संतोषी मौजूद है जिसको भी डकैतों ने अपहरण किया था। संतोषी, किस तरह रखा गया था वहां पर? जैसा
जैसा कि आप प्रीति देख रहे हो कि अभी भी इन लोगों में डकैतों का खौफ जो है वो कायम है, क्योंकि निश्चित रूप से जब कोई 48 घंटा डकैतों के बीच में और सुनसान जंगल में बिताता है तो कहीं ना कहीं वो खौफ उन पर चेहरे पे साफ दिख रहा है। हमारे साथ रोहिणी मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह रखा गया, क्या उनको खाने का रखा गया अरेंजमेंट। एकदम बीचों बाद जंगल में हम लोग थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी सी घास थी, वहीं पे वो लोग चद्दर डाल दिए थे, बोले यहीं पे बैठो। रात में दूसरी जगह और दिन में दूसरी जगह रखते थे, जगह बदलते रहते थे। इस दौरान खाने को क्या दिया था, कि आपने उस रास्ते को देखा था? नहीं, रास्ता तो हम लोगों ने नहीं देखी, आंखें बंधी हुई थी और खाने के लिए रोटी सब्जी लेकर के आए थे। ठंड काफी थी, तो ऐसे में वहाँ पर ठंड से कैसे बचाव करते थे आप लोग? एक कम्बल दिया था ओढ़ने के लिए। जैसा कि आपने सुना प्रीति कि एक कंबल के सहारे इन लोगों ने 3 दिन बिताए हैं उस जंगल में, ऐसे में क्योंकि एक काफी जद्दोजहद के बाद इन लोगों की वापसी हो गई है सकुशल, तो कहीं ना कहीं इनकी जो माँ है उन पर भी वो काफी खुश नजर आ रही है और वो पूरा परिवार है। माँ भी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम पूछेंगे कि उनकी वो कितना खुश है। हमारी बच्चियां हमें मिल गई, हम बहुत खुश हैं। इतना लंबे समय के बाद इस तरह रिकवरी हुई, तो क्या कहना चाहेंगी आप? हम यही कहना चाहेंगे, हमारी पुलिस ने मदद कोई नहीं की है, हमारी बच्चियां हमारे ही एक तरह से मिली है। जैसा कि आपने बताया कि पुलिस ने मदद नहीं की, तो अन्य लोग क्योंकि इस इलाके में इस तरह की घटना है, उनसे क्या मांग करेंगे? किससे? सरकार से क्या मांग करेंगी सुरक्षा को लेकर? सरकार से हमको सुरक्षा चाहिए, सरकार यहाँ से पुलिस बदली जाए, दूसरी पुलिस मंगवाई जाए, हमें असलाह दिलवाए जाए, हमारी बेटियाँ बाहर पढ़ती हैं, इनके लिए सुरक्षा चाहिए हमें। जी। राजीव, इनसे हमें जानना चाहेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि पुलिस ने कोई मदद नहीं की, जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग कि पुलिस ने उल्टा फिरौती के लिए इन पर दबाव बनाया, तो यहाँ पर पुलिस की भूमिका अपने आप खत्म हो गई, इन्होंने पैसे दिए और बदमाशों ने बच्चियों को छोड़ दिया, तो क्या पुलिस ने इनसे किस तरह की बात कही थी, क्या पुलिस के कहने पर ही इन्होंने बदमाशों को फिरौती दी, तो क्या इन्हें कहीं शक है कि पुलिस भी उन बदमाशों के साथ मिली हुई थी? कि ये पहले से ही लगातार इनके जो माँ जो बदमाशों की डीलिंग हो रही थी, इनकी माँ के पास बदमाशों के फोन आ रहे थे, और जो इनके मामा इस पूरे प्रकरण को डील कर रहे थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर पुलिस ने किस तरह से इस घटना को टैकल किया, किस तरह से घटना ने पुलिस ने आपको मदद की? देखिए, पुलिस की अगर मदद होती तो ये हमारे जो भांजियां हैं इनको यहाँ से बदमाश ले ही नहीं जा सकते थे, और जब पुलिस को फोन करने के बाद भी 1.5 घंटे बाद पुलिस आई, और उसके बाद से हम लोग जब मुख्यमंत्री से और डीएम से मदद की गुहार की, उसके बाद से मदद की गुहार के बाद में रात में डीआईजी एसपी एडिशनल इन लोगों ने जब कायम किया, उसके बाद से बराबर हम लोगों का संपर्क होता रहा, और जब पैसे की डिमांड की गई तो मैंने पुलिस से राय भी लिया, और पुलिस ने कहा कि आप पैसा दे दीजिएगा, बच्चों को छुड़ा लीजिएगा। तब हमने 5 लाख रुपए 2 लीटर पेट्रोल देकर के बच्चों को बचाने का काम किया। तो बिल्कुल राजी, जो बड़ा सवाल समाचार प्लस उठा रहा है वो यही कि पुलिस आखिर क्या कर रही थी, तो जवाब ये है कि पुलिस देखिए ये कर रही थी, एक पीड़ित परिवार और बदमाशों के बीच में डीलिंग करा रही थी, और परिवार से कह रही थी कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, आप 5 लाख रुपए दीजिए और अपनी बच्ची को छुड़ा लीजिए। राजीव, इन बच्चियों से हमें जानना चाहेंगे, क्योंकि सवाल ये भी बड़ा है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर स्थित है जगह, कहीं नेपाल से तो बदमाशों के तार नहीं जुड़े थे, तो कुछ बता सकते हैं कि बदमाश कितनी संख्या में थे और उनकी भाषा या बोली सुनकर क्या कुछ लग रहा था, कहां के वो हो सकते हैं? निश्चित रूप से हम बात करेंगे उपमा से, जो कि सबसे बड़ी बेटी है। उपमा, कितने लोग थे और वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ नेपाल के भी लोग शामिल हो सके? नहीं, नेपाल के तो नहीं थे, उसमें सरदार थे, 2 सरदार थे और 3 मुस्लिम थे और 2 तो मतलब हिंदू थे, और उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी ही बात करते थे वो। तो जब वो डील कर रहे थे, पैसों की बात कर रहे थे, या आपसे भी कुछ उन्होंने कहा कि घर से संपर्क करके वो बोल रहे थे कि पैसा मंगवाओ, अपने मम्मी पापा से बोलो, वरना जो है तुम लोगों को मार देंगे। राजीव, हमारी पुलिस ने तो कोई भी मदद नहीं की, हमारे रिलेटिव और हमारे मामा जी ने और हमारे जो गाँव के लोग हैं उन लोगों ने बहुत हम लोगों की हेल्प की, हमारे मम्मी पापा को बहुत ज्यादा उन लोगों ने संभाला। राजीव, क्योंकि जो खबर हम पढ़ते हैं या बताते हैं,
और फिर खुद उस हालात से गुजरना कैसा होता है, इन लड़कियों के चेहरों को देखकर साफ लग रहा है। तो हम इसे जानना चाहेंगे, पुलिस ने मदद नहीं की, परिजन अपनी ओर से लगे थे, तो जो शनिवार शाम से लेकर जो वक्त बीता, 48 घंटे का जो वक्त बीता, क्या कभी उम्मीद का दामन छोड़ा इन्होंने? क्या कभी लगा कि शायद अब ना निकल पाए, या कहीं ना कहीं उम्मीद बनी हुई थी? कैसे मन में क्या क्या विचार इस दौरान इनके आ रहे थे? निश्चित रूप से असलहों की नोक पर इनको उठाया गया था। ऐसे में जब आपको बदमाशों ने असलहों की नोक पर उठाया, यहाँ से ले गए, वो उनके गिरफ्त में थी, तो क्या कभी आपने सोचा था कि कभी मन में किस किस तरह के विचार आ रहे थे? वो लोग हमें छोड़ नहीं रहे थे और हमें मारा भी था ले जाते टाइम पे, क्योंकि हम जा नहीं रहे थे उस टाइम। हमें मारा था, मेरी मम्मी को भी मारा, उनके कान के बाली जो थी वो भी निकलवा लिया था, उनको भी मार के, और फिर उनको तो छोड़ दिया था। हम 3 बहनों को लेकर के गए थे और बोल रहे थे अगर कुछ तो बोलोगे ना तो यहीं पे मार देंगे तुम्हारी मम्मी को, और अगर कुछ तो ज्यादा बवाल किया तो तुम्हारे भाई को भी मार देंगे। तो क्या उन्हें जो गांव में एक्टिविटीज चल रही थी उसकी भी सूचना मिली? उन्हें कोई गांव से इन्फॉर्मेशन सारी देता था। फिलहाल हमारे गांव के लोगों ने और हमारे मामा ने, हमारे जो रिलेशनशिप वालों ने बहुत ज्यादा हेल्प की है। उपमा, जब आप उनकी गिरफ्त में थे तो कभी आपके मन में विचार आया कि क्या कभी छूट पाएंगे या क्या होगा इस तरह का? हमें पता था ना, हमें लगता था कि उनको पैसा मिल जाएगा उसके बाद शायद छोड़ दें, या ये भी हो सकता है कि पैसा मिलने के बाद भी हमें मार देंगे। जैसा कि आपने सुना कि निश्चित रूप से जब डकैतों के चंगुल में कोई फंसता है तो उसमें एक टाइप का खौफ होता है और उसे ये नहीं पता रहता है कि वो अगले पल रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ इसी तरह इन लोगों के साथ भी हुआ। लेकिन इन्हें आपने सुना प्रीति कि इन्हें उम्मीद थी कि अगर उन्हें पैसा मिल जाएगा तो वो छोड़ देंगे, क्योंकि यह कोई पहली वारदात नहीं थी, इस तरह की 3 वारदातें और हो चुकी हैं जिसमें पुलिस की मध्यस्थता के माध्यम से जो उनकी फिरौती की रकम थी उसे दिलाए गए और वो जो अपहरत थे वो सकुशल छोड़ दिए गए। तो इन्हें भी उम्मीद थी कि अगर पैसा मिल जाएगा तो ये छोड़ दिए जाएंगे, और वैसा हुआ भी। बिल्कुल। तो राजीव, पुलिस यहाँ किस तरह से अपनी ड्यूटी कर रही है वो देख रहे हैं कि वो किस भूमिका में होनी चाहिए और क्या भूमिका यहाँ पर निभा रही है। राजीव, जो बीच में एक बच्ची बैठी हुई है काफी डरी सहमी, थोड़ा उनसे हम बात करना चाहेंगे। अब वो सकुशल घर लौट आई है तो आखिर अब किस बात का खौफ है? परिवार वालों के बीच में अभी वो है तो क्यों नहीं अब उसी घटना से अपने आप को निकाल पा रही, थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे उनसे। प्रीति, ये घर की सबसे छोटी लड़की है संतोषी, जो काफी अभी भी खौफ जाता है, लेकिन एक बार हम फिर से प्रयास करेंगे। संतोषी, आप अब लौट आए हो, अपने लोग अपने साथ हैं, तो अब किस बात का डर है आपको? कुछ भी किस तरह का लग रहा है? आप अब आपके लोग हैं, मम्मी पापा साथ में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब अच्छा लग रहा है। पहले किस तरह का आपको फीलिंग आ रहा था वहाँ जब डकैतों की गिरफ्त में? सोचा था कि कभी परिवार के बीच पहुँचे? हाँ। जैसा कि आप देख रही हैं कि खौफ के कारण ही वो पूरी बात डिटेल में नहीं बता पा रही हैं, लेकिन जी। सब लोगों को ये उम्मीद थी कि अगर पैसा मिलेगा तो इनकी वापसी हो। बिल्कुल राजीव, तो सवाल अभी वही बना हुआ है जो समाचार प्लस काफी प्रमुखता से उठा रहा है। तो पुलिस क्या कर रही थी, और अब जबकि बच्चियां घर आ गई है, पहले भी इस तरह के अपहरण हो चुके हैं, तो इसके बाद पुलिस क्या कर रही है उन अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए? 3 लड़कियां अगवा हुई थी, वो अब अपने घर लौट आई हैं, लेकिन घर लौटने के बाद भी अभी कई सवाल बने हुए हैं कि आखिर पुलिस ने यहां पर क्या भूमिका निभाई, और जो फिरौती दी गई क्या पुलिस का भी उसमें हिस्सा बनता है? तो राजीव, जो लड़कियों के मामा है जो सारी प्रोसेस देख रहे थे और पूरी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दे रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे, उसे हम जानना चाहेंगे कि अब जबकि लड़कियां घर लौट आई है, क्या इसके बाद पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है, और क्या उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का भी हिस्सा इसमें था जो दबाव बना रही थी फिरौती का? देखिए प्रीति, क्योंकि ये इस इलाके का प्रतिष्ठित परिवार है और इनकी वापसी कल रात में ही हुई है, ऐसे में हजारों की संख्या में लोग इनके घरों पर पहुंचे हैं, काफी भीड़ लगी हुई है, जिसके मद्देनजर इनके पिताजी और मामा जी वो लोग पब्लिक के लोगों से मिल रहे हैं, और उसके बाद ये लड़कियों को भी देखने आए हैं। लेकिन रही बात पुलिस की कार्यप्रणाली की, तो निश्चित रूप से अब पुलिस ये दावा कर रही है कि अब वो जो अपहरण करता है उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है, लगातार उनके प्रयास जारी हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अगर पुलिस गिरफ्तारी करना चाहती तो जिस वक्त ये फिरौती की रकम दी गई थी उसको फॉलो करके अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा सकता था। जिस तरफ इधर फिरौती
फील हो रही थी उस समय पुलिस कप्तान साहब एक पड़ोस में स्थित चीनी मिल में आराम कर रहे थे और उनका पूरा फोर्स वहीं से पूरे इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुआ था। तो राजीव इन बच्चियों से हम जानना चाहेंगे क्योंकि जो वक्त गुजार के आई है वाकई में अभी हम देख रहे हैं दहशत जो इनके चेहरों पर है, तो उस दौरान क्या इन तीनों को एक साथ मिलने दिया जा रहा था और कैसे इन्होंने एक दूसरे को संभाला और कैसे हिम्मत बढ़ाई एक दूसरे को कि अच्छा ही होगा आगे? निश्चित रूप से हम बात करेंगे। उपमा, आप बड़ी बहन थी और दोनों छोटी हैं, ऐसे में किस तरह आप लोगों को एक साथ मिलने दिया जा रहा था, किस तरह आप बात कर पा रहे थे वहाँ पर? हम लोग थे तो एक ही साथ में, बस आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और छोटी बहन हमारी काफी परेशान थी, बहुत रो रही थी। तो फिर किस तरह ढांढस बताया आपने? कुछ नहीं, बस वही हम लोगों से पैसे वैसे की बात हो रही थी कि पैसे दे देंगे, जितनी जल्दी पैसे दे देंगे उतनी जल्दी तुम लोगों को छोड़ देंगे। और यहाँ मम्मी लोगों को भी धमकी दे रहे थे, पैसा नहीं दोगे तो अपनी लड़कियों की लाश लेके जाना। जैसा कि आपने सुना कि ये लड़कियां भी काफी टैलेंटेड है, उपमा खुद भी एमएस कर रही है कर्नाटका से और ये जो रोहिणी है वो भी बीए कर रही है और ये अभी इंटरमीडिएट में है, सीएमएस में पढ़ती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि वहाँ इनकी आंखों पर पट्टी बांध के रखा गया था, आपस में बात करने का मौका दिया जा रहा था, काफी जो अभी भी परेशान है ये उस वक्त भी परेशान थी। और लाजमी है जब कोई डकैतों के चंगुल में रहता है तो बड़े बड़ों का हालत खराब हो जाती है, ये तो बच्चे हैं, तो ऐसे में आज भी इनके पर खौफ का असर दिख रहा है। तो राजीव हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या इनको लगता है जिस इलाके में डकैत इनको ले गए थे, क्योंकि आंखों में पट्टी थी वो इलाका नहीं बता सकते, लेकिन इनके घर से या जो इनका इलाका है इससे कितनी दूरी पर रहा होगा? क्या वाकई में इतना दुर्गम इलाका था कि पुलिस वहां नहीं पहुंच सकती या पुलिस को उस ठिकाने के बारे में पता नहीं है? कितना वक्त लगा? बताना चाहूंगा ये प्रीति, में बताना चाहूंगा जैसा कि इन्होंने पहले ही बताया, यह दुधवा के जंगलों में बसा के किनारे बसा हुआ गांव है और पूरे आसपास एक लंबा जंगल है जिसमें पुलिस भी कॉम्बिंग कर रही थी। हालांकि अगर इनकी माने इनसे ही पूछ लेते हैं कि आपको जब ले गए तो कहां कहां रखते थे, कितना चलाते थे, क्या लग रहा था कि कितनी रेंज में थे आप लोग? हमें जंगल में ले जाके रखे थे, काफी घना जंगल था और इतनी ठंड में हम 3 रातें और 2 दिन कैसे काटे हम ही लोग जानते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। जैसा कि आप सुना खुद उन्होंने कि जंगलों में पूरी रात घुमाते थे, दिन में लोकेशन चेंज कर देते थे, अमूमन ऐसा करते भी हैं डकैत, तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा इलाका था वो जरूर दुर्गम है, घना है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था। जिस तरह इनकी रिकवरी हुई वो नियर अबाउट 5 किलोमीटर की रेंज में हुई, अगर पुलिस सही से प्रयास करती तो निश्चित रूप से इनकी सकुशल बरामदगी उस वक्त भी हो सकती और शायद वो फिरौती की रकम अदा न करनी पड़ती। तो राजीव पुलिस को लेकर क्या राय है, क्योंकि अगर कहीं किसी के साथ कुछ गलत होता है तो परिवार वालों का पहला आसरा पुलिस होती है। यहाँ हमें कहेंगे कि परिवार संपन्न था, उसने पैसे दिए और इनको छुड़ा लिया, लेकिन पुलिस जो उनकी सुरक्षा के लिए थी, तो इनको अब क्या लगता है कि पुलिस चाहती तो इनको छुड़ा सकती थी और इसके बाद कितना विश्वास इन लोगों में पुलिस के प्रति रह गया है? देखिए, पहले से ही अगर बात यहाँ की पुलिस अधीक्षक की करें तो उनका उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन जो थाने स्तर पर है, क्षेत्र स्तर पर पुलिस अधिकारी पहले से तैनात हैं, वो उनके बारे में यहाँ के लोगों की राय है कि वही लोग ये कराते हैं इस तरह का अपहरण, लेकिन जो डीएम है एसपी है उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने ऐसे अधिकारियों पर दबाव बनाया और उसी का नतीजा रहा कि इन लोगों की वापसी हो गई। लगातार इस जिले के कप्तान को गुमराह किया जाता रहा और जो जो पुलिस के लोग हैं जो पहले भी इस तरह की वारदातें में इन्वॉल्व रहे हैं, वो लोगों पर जब दबाव बना और उन्हें लगा कि उन पर कार्रवाई हो जाएगी तब जाके इनकी रिकवरी हुई, वो भी फिरौती देके, तो कहीं ना कहीं ये यूपी पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है और एक धब्बा भी लगा है इसको लेकर। मुख्यमंत्री जो एक बहन मझली जो बहन है इनकी, तो उनसे भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि क्या उनको लगता है कि अगर पुलिस उनकी मदद करती जो 3 रात और 2 दिन इन्होंने गुजारे हैं, ये वक्त कम हो सकता था ये इतनी ज्यादा परेशानियों से, और कहें कि बिल्कुल जो इनकी जिंदगी का शायद सबसे बुरा अनुभव अब तक का होगा, इससे बच जाते? मैं पूछने का प्रयास करूंगा कि आपको लगता है कि पुलिस प्रयास करती तो उसी दिन छूट जाते आप? जी, पुलिस अगर प्रयास करती तो हम लोग उसी दिन छूट जाते हैं। कब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि कितनी देर बाद? 30 मिनट के बाद पुलिस को फोन किया गया है, पुलिस 2 घंटे के बाद ही आई है। पुलिस अगर तुरंत आ जाती 1 घंटे के अंदर तो हमारी लड़कियां बाहर नहीं जा पाती।
कि आपने प्रीति सुना कि इन लोगों का कहना है कि इन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, स्थानीय अशोक को किया, सीओ की वो किया, 100 नंबर पे डायल किया, जिसको ये कहा जाता है कि ये सीयूजी नंबर्स हैं, ऊपर शासन से भी निर्देश रहते हैं कि ये किसी भी कीमत पर उठना चाहिए, लेकिन ये नहीं उठे। अगर ये समय पर रहते उठते और पुलिस एक्शन में आती तो शायद उसी रात इनकी बरामदगी हो जाती और वो जो अपहरण करता है उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन पुलिस ने एक बड़ी लापरवाही की जिसके कारण ही अभी तक अपहरण करता नहीं लौट पाए, ठीक है, गिरफ्तार कर सके। हाँ बिल्कुल, अभी ये लड़कियां लौट आई है, लेकिन ये घटनाएं यहाँ होती हैं, बार बार होती हैं और परिवार बदलते रहते हैं, लेकिन अगर ये यहाँ का रसूखदार परिवार है और काफी संपन्न परिवार है तो आगे भी इस तरह की घटना हो सकती है, तो जो परिजन है, जो लड़कियों की माँ है, उनसे थोड़ा हम जानना चाहेंगे वो भविष्य को लेकर कितने चिंतित है, या फिर उनको लगता है कि पुलिस आगे अब कठोर कार्रवाई करेगी और सुरक्षित रहेंगे वो लोग। नहीं बिल्कुल, हम माँ से पूछेंगे कि इतनी बड़ी घटना आपके साथ हुई, ऐसे में आप सुरक्षा को लेकर क्या मांग करती है? चलिए कोई नहीं राजीव, जो सक्षम हो जवाब दे उनसे पूछ सकते हैं। ये जाने जो कि हमारी बेटियां बाहर पढ़ती हैं, उनके लिए सुरक्षा की जाए, कैसे पढ़ने जाएंगी, कैसे आएंगी, और हम यहाँ पे अकेले रहते हैं गाँव में, गाँव के बाहर घर है हमारा, हमारा लड़का भी एक ही, उसको भी मार डालने की धमकी दी गई है, तो उसे भी दिया जाए, हम लोगों की सुरक्षा की जरूरत है। जैसा कि आपने प्रीति सुना कि जो माँ है उनका साफ कहना है कि ये इस इलाके के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, ऐसे में इनकी सुरक्षा के मद्देनजर कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाएं। हालांकि जब कल जिलाधिकारी किंजल सिंह यहाँ पर पहुंची थी तो उन्होंने इस परिवार के सदस्यों को असलहों का लाइसेंस देने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद कुछ कार्रवाई भी हुई है। ऐसे में ये निश्चित रूप से है कि आज ये घटना इनके साथ हुई, कल किसी और के साथ हुई, तो अगर पुलिस वास्तव में अगर उसकी मंशा होती तो कहीं ना कहीं इसको घटना को रोका जा सकता था। ऐसे में जरूरत यह है कि इस थाने में मौजूद जो लोग हैं उनके खिलाफ एक निष्पक्ष जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है राजीव, अब एक घटना हुई, उसके बाद ये बच्चियां घर लौट आई हैं, लेकिन जो ये दिन रहे, कुछ चंद दिन रहे, शनिवार से लेकर कल रात तक का वक्त, शायद जिंदगी भर कभी ना भूले, तो जो ये बच्चियां हैं इनसे हमें जानना चाहेंगे कि इस घटना को भूल कर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, या फिर इसे जेहन में रखकर अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाकर किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार करेंगी। ठीक है, हम बात करेंगे उपमा से। उपमा, इतनी बड़ी घटना हुई, अब क्या आपका प्लान है, अभी अब कब वापसी करना है, कब स्कूल जाना है आपको, और किस तरह का इसे सबक मिला? अभी तो हम रेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी मम्मी पापा के पास हम वापस आए हैं, काफी परेशान थे हम लोग, ये भी नहीं उम्मीद थी कि हम वापस आ पाएंगे, लेकिन फिर भी ये सोच रहे थे कि शायद पैसे उनको मिल जाएंगे तो छोड़ देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि ये लोग 3 दिन उनके हिरासत में रहे, चंगुल में रहे, तो अब ये लोग आराम करेंगे क्योंकि इनके चोट भी लगी है और इसी के कारण ये लोग बेड पर बैठे हुए हैं, तो अब उसके बाद ही ये लोग अपना जो जहां पर ये पढ़ती है वहां पर वापसी करेंगी और अपना अगले फैसले लेंगे। ठीक है राजीव, तो चलिए हम भी थोड़ा आराम करने देते हैं, और किस तरह से ये शारीरिक कष्ट झेल के आए, लेकिन अभी जो मानसिक तौर पर ये लोग परेशान है, थोड़ा सा वक्त इनको उबरने में जरूर लगेगा, लेकिन सवाल अभी बना हुआ है कि पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी और अब आगे क्या करेगी, क्योंकि अगर इस तरह के परिवारों को निशाना बनाया जाता है तो ये लड़कियां घर लौट आई है लेकिन इसके बावजूद राहत की सांस नहीं ले सकते हैं। शुक्रिया राजीव आपका, और जो परिजन हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।